बसमिल एंड वेरी वेलकम टू दिस फोर्थ लेक्चर ऑफ क्विक बुक्स ऑनलाइन आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स बनाना और उससे पहले मैं चाहता हूँ कि एक दफा हम ये जो न्यू का सेक्शन है ना उसको भी देख लें या बल्कि चार्ट ऑफ अकाउंट्स पहले देख लेते हैं न्यू पे हम बाद में आते हैं अकाउंटिंग में जाएंगे हम अच्छा इससे पहले की जो हमारे पास तीन वीडियोज़ हैं ना मैं आपको दोबारा से एक दफ़ा गो थ्रू करा देता हूँ इससे पहले की जो हमारे पास तीन वीडियोज़ हैं ना उसके अंदर हमने जो बाकी के सारे लाइन आइटम्स थे इंक्लूडिंग टैब्स और सेटिंग अप ऑफ अकाउंट्स और सारा वो सारी चीजें हमने बनाई हैं तो अगर आप में से कोई बंदा इस वीडियो को पहली दफा देख रहा है तो आई वुड रिकमेंड कि वो पहले जाके ना पिछली तीन वीडियोस देख ले ताकि उसको समझ आ जाए कि इसके अंदर हमने पहले क्या क्या डिस्कस किया है तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है और इसकी वजह से ये हमारे क्लाउड पे नहीं है ये क्विक बुक्स क्विक के अपने क्लाउड पे है इस वजह से ये इसकी जो रिसेप्शन है ना बहुत स्लो है थोड़ा सा ये स्लो है इतना ज्यादा तो नहीं जितना भी हो रहा है ऑब्वियसली इंटरनेट का भी इशू है लेकिन जनरली uh, ये सॉफ्टवेयर ना उतना स्मूथ नहीं जितना आपको अपने कोई सॉफ्टवेयर होते हैं वो जितने फास्ट होते हैं अच्छा जी अच्छा उसके uh, हम लोग कहाँ पे थे ये चार्ट ऑफ अकाउंट है इसमें जाते हैं हम चार्ट ऑफ अकाउंट क्या होता है आप जब भी अकाउंटिंग के अंदर जब भी आप कोई चीज नोट करते हो ना अपने पास वो पांच में से एक होती है मैं आपको एक्सेल के ऊपर ले चलता हूँ ताकि हम इसको थोड़ी सी इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो अच्छे तरीके से ले लें अच्छा अकाउंटिंग के अंदर ना क्योंकि मुझे उम्मीद है कि ये नॉन अकाउंटेंट पीपल भी देखेंगे जिनका बैकग्राउंड जो है वो अकाउंटिंग के अंदर नहीं है तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास Uh, कोई भी चीज है ना कोई भी लाइन आइटम है कोई भी ट्रांजेक्शन है वो इन पांच में से एक चीज हो सकती है या वो आपका एसेट हो सकता है या आपका लाइबिलिटी हो सकती है या आपकी इनकम हो सकती है या आपका एक्सपेंस हो सकता है या आपका कैपिटल हो सकता है ठीक है एसेट क्या होता है एसेट होता है कि जो आप ओन करते हो मैं आपको आसान आसान समझा रहा हूँ हम इतना ऑबियसली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की उसके अंदर वो बहस बै, में नहीं जाएंगे वो अगर किसी ने समझ नहीं है तो मेरे ऑलरेडी हंड्रेड के करीब लेक्चर्स अकाउंटिंग के ऊपर हैं आ, वो आप इंग्लिश और उर्दू के अंदर वो आप वहाँ से जाके देखें ये एक जेनेरिक सी चीज़ है जो कि अकाउंटेंट एंड नॉन अकाउंटेंट पीपल को समझाने के लिए अच्छा ये जो आप चीज़ आपकी अपनी है ना वो क्या है आपका एसेट है और लाइबिलिटी है जो आपने उधार लिया हुआ है अच्छा इसको उधार लिया हुआ है इंग्लिश में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो आप ओन ओन्ड और यहाँ पे बोरोड राइट right? अच्छा जी इनकम इनकम क्या है Income आपकी जो सेल्स है ना वो है अब सेल्स है सेल्स आपकी दो तरह से हो सकती है अगर आपकी कोई दुकान है या कोई बिजनेस है तो आप वहां पे चीजें बेच के अः कमा रहे होते हो सेल्स आ रही होती है और अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है लाइक दुकान नहीं है कोई सर्विस है जैसे मिसाल के तौर पे प्लम्बर की दुकान है फॉर एग्जाम्पल अब प्लम्बर कोई चीज तो नहीं बेच रहा होता वो कोई आपका नल खराब है आ, कोई पाइप खराब है तो वो आएगा कि ठीक करके पैसे ले लेगा तो वो सेल्स या फिर गुड्स के थ्रू आ रही होती है या फिर सर्विसेज के थ्रू अच्छा गुड्स में आपके पास जो चीज की प्राइस होती है मिसाल के तौर पे आपने जूता खरीदना है तो जूता दो हजार तीन हजार का जूता आएगा इसी तरह अगर आपने कोई सर्विस खरीदनी है तो वो या तो आपसे फिक्स कॉन्ट्रैक्ट होगा जैसे मिसाल के तौर पर प्लबर कहते हैं पांच सौ रुपया दो, दो मैं तुम्हें तो ये पाइप ठीक कर दूंगा या फिर जिस तरह अकाउंटेंट होता है अकाउंटेंट कहता है यार मैं या पे मैं हजार रुपया घंटा लेता हूँ दस घंटे काम करके दस हजार तो है या फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं तो ये दोनों तरीके हैं आपके पास एक्सपेंसि के इनकम के सॉरी एक्सपेंसेस अच्छा अब ये जिस बंदे की इनकम बन रही है ना तो दूसरे बंदे का क्या बन रहा है एक्सपेंस बन रहा है मिसाल के तौर पे मैं मैंने जाके खरीद मैंने जाके प्लबर को प्लम्बर को कहा आके मेरे घर की जो जो है वो आ, उसकी जो पाइपिंग है उसको ठीक कर दो वो कहते मैं हजार रुपया लूंगा ठीक कर दूंगा राइट अब ये मेरा हजार रुपया क्या है मुझसे पैसा मनी आउट हो रहा है ना तो ये मेरा क्या एक्सपेंस है प्लम्बर का क्या है उसका मनी इन हो रहा है तो ये प्लम्बर का क्या इनकम है, है। यानी इनकम जो है एक ही बंदे का एक ही बंद, एक ही ट्रांजेक्शन में एक ही बंदे की यहाँ इनकम होती है और दूसरे बंदे

अब प्लम्बर साहब है प्लम्बर साहब ने अपनी टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी है तो अब प्लम्बर साहब ने टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी है तो प्लम्बर पैसे दे रहा होगा हो अब वो मेरे क्या है है इन है मेरा मनी मनी इन इन ना तो अब ये मेरी इनकम बन जाएगी राइट और प्लम्बर का मनी आउट है तो ये प्लम्बर का एक्सपेंस बन जाएगा पहले जब मैंने प्लम्बर की सर्विसेज ली थी तो प्लम्बर की इनकम बन गई थी और मेरा एक्सपेंस बन गया था अब प्लम्बर ने मेरी सर्विसेज ली हैं तो मेरी इनकम बन गई है और उसका एक्सपेंस बन गया तो एक ही ट्रांजेक्शन है जी वो एक बंदे की इनकम बन रही थी और दूसरे का एक्सपेंस बन रही होती है अच्छा इसी तरह एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का फ़र्क मैं आपको बताता हूँ मिसाल के तौर पे मैं मेरे पास है था दस हज़ार रुपये राइट इसमें से एक दो हज़ार रुपये जो है वो मैंने लिए हुए हैं मिस्टर ए से ठीक है टोटल कितना दस हज़ार है और मैंने किसी से उधार कितना लिया हुआ है मिस्टर ए से दो हज़ार रुपये लिया हुआ है दोनों का फर्क करें तो कितना आ रहा है एट थाउजेंड ये जो एट थाउजेंड है ये क्या है ये कैपिटल है जो मैंने अपनी जेब से डाला हुआ है राइट मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये मैंने लैपटॉप खरीदा था तो दस हजार रुपए का इसमें से आठ हजार मैंने अपनी जेब से दिए थे दो हजार मैंने उधार लिया था तो जो मैंने अपनी जेब से दिया होता है ना पैसा उसको क्या बोलते हैं कैपिटल बोलते हैं और जो मैंने उधार लिया होता है उसको क्या बोलते हैं उसको लाइबिलिटी तो ये लाइबिलिटी होगी आपकी ये आपका कैपिटल हो गया और ये आपका क्या हो गया ऐसी राइट तो इससे अगर आपको ये क्या समझ आ रही है कि एसेट हमेशा किसके बराबर होता है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के ठीक है तो टोटल एसेट दस हज़ार का बन गया था आपके उस लाइबिलिटी बन गई दो हज़ार और कैपिटल बन गया आठ हजार रुपये का तो मेरे ख्याल से ये बेसिक डिस्कशन थी आपकी एसेट्स लाइबिलिटीज और कैपिटल इनकम और एक्सपेंसिस की अकाउंटिंग के अंदर कोई भी चीज़ इसके अलावा नहीं होती राइट आप कोई भी ट्रांजेक्शन उठा के देख ले वो हमेशा या एसेट होगी या लाइबिलिटी होगी या कैपिटल होगा या इनकम होगी या एक्सपेंस हो गया अच्छा इसके अलावा कोई और चीज नहीं हो सकती है। अच्छा कुछ चीजें इनका क्या कॉन्ट्रा होती है मतलब आ, कुछ चीजें ना इनको कम करने वाली होती है मतलब इसका उलट होती है अब मिसाल के तौर पर मैम मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देता हूँ आपने बिजनेस शुरू किया दस हजार आपने लगाए दो हजार आपने उधार लिए टोटल जेब से आपने आठ हजार लगाए राइट अब यही बंदा इसी बिजनेस में से दो हजार रुपया निकाल लेते हैं या चलो एक हजार निकाल हैं अब एक बिजनेस हजार एक रुपया निकल रहा है अब ये निकल किसी किसी एक्सपेंस के लिए नहीं निकल रहा बल्कि ऑनर जो है अपनी अपने खर्चे के लिए निकाल रहा है अब आपको ये तय करना है कि ये इन पांचों में से क्या है क्या ये एसेट है नहीं हम इसको कंट्रोल तो नहीं करते हमारे बिजनेस से चला गया लाइबिलिटी है नहीं हमने किसी से उधार तो नहीं लिया हुआ था कैपिटल है नहीं क्योंकि हम बिजनेस में डाल तो नहीं रहे राइट इनकम है नहीं मनी इन नहीं है एक्सपेंस है एक्सपेंस हमेशा इनकम को कमाने के लिए किया जाता है तो एक्सपेंस भी नहीं है तो ये क्या है ये बेसिकली ड्राइंग है क्या है ड्राइंग और इसकी नेचर क्या है ये कॉन्ट्रा कैपिटल है कॉन्ट्रा कैपिटल कॉन्ट्रा कैपिटल का मतलब ये है कि ये हमेशा कैपिटल को क्या करेगा कम करेगा बात समझ आ गई कैपिटल को क्या करेगा कम करेगा तो मतलब आपके पास ये पांच चीजें ही हैं आपके पास एसेट्स हैं लाइबिलिटीज हैं कैपिटल है इनकम है और एक्सपेंसेस हैं और अगर इसके अलावा कोई आइटम्स तो उनके कांट्रा हो सकते हैं इसके अलावा कोई छठी चीज इसके अंदर आ, आपके अकाउंटिंग के अंदर नहीं आ सकती अच्छा जी मेरे ख्याल से काफी डिस्कशन हो गई है आपको बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि अकाउंटिंग कैसे काम करती है जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये थी चार्ट ऑफ अकाउंट क्यों यूज होता है अब आपके पास कोई भी ट्रांजेक्शन है ना मिसाल के तौर पर एक बिजनेस के अंदर लाखों ट्रांजेक्शन होती है अब आप हर ट्रांजैक्शन पर लिख तो नहीं सकते कि ये एसेट है लायबिलिटी है अकाउंट है एक्सपेंस है या इनकम है उसके लिए क्या किया जाता है आप आ, आप जब अपना ईआरपी स्टार्ट करते हो ना या तो उसमें आप एक चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हो उसमें आप कहते हो कि जी ये मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट है ठीक है ये देखो ये चार्ट ऑफ अकाउंट है इसके अंदर ना जो ये अकाउंट कोड मैं आपको ये खोल के दिखाता हूं आप कहते हो कि ये जो मेरा अकाउंट टाइप है वो ये होगा इसका नाम ये होगा और इसकी डिटेल क्या होगी वो ये होगा राइट यानी एसेट है तो एसेट के अंदर मेरे पास कैश के नाम का एक अकाउंट होगा एक मेरे पास से इन्वेंट्री के नाम का अकाउंट होगा इन्वेंट्री एसेट प्रीपेड एक्सपेंसेज ये सारे मेरे पास क्या है एसेट्स के अकाउंट है नीचे फिर इक्विटी ये कैपिटल का दूसरा नाम इक्विटी होता है इक्विटी का अकाउंट है ये नीचे इनकम के अकाउंट्स हैं देन नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स के अकाउंट्स हैं और एक्सपेंसेस के अकाउंट से तो ये आप खुद भी बना सकते हैं अपना कस्टमाइज्ड भी और जैसे ये इसके अंदर एक पहले का बना हुआ है तो ये भी आप बना सकते हैं इन सबको आप मॉडिफाई भी कर सकते हो डिलीट कर सकते हो ऐड कर सकते हो इसके अंदर आप सारा कुछ जो है वो मामला अपने कर सकते हैं तो चूंकि ये आ, मैंने जब सेलेक्ट किया था शुरू में मैं आपको एक ऐड भी करके दिखाता हूँ मिसाल के तौर पर कैश है ना मैं आपको एसेट्स में एक एड करके दिखाता हूँ एसेट्स में मैं आपको इन्वेंट्री इन्वेंट्री तो हमारा लोन 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 टू 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 अदर्स अदर्स ठीक है मिसाल के तौर ब्रदर आपके भाई ने आपके बिजनेस से लोन लिया हुआ है तो फॉर तो एग्जाम्पल दस हजार तो उसको आप सेव एंड क्लोज करोगे तो ये आपके पास एक नया अकाउंट बन जाएगा तो ऑब्वियसली हम नहीं कर रहे क्योंकि हमने वरना ये आप पास लाइबिलिटी खड़ी हो जाएगी तो अभी हम पहले जब अपना अंदर रियल टाइम डाटा डालेंगे देन इसके ऊपर इंशाल्लाह हम काम करेंगे इसी तरह ये फिर आखिर में आप इसकी रिकंसिलिएशन बना सकते हैं जी ये आपके पास ऐसे भी बनेगी ये भी आपको बना के दिखाएंगे अच्छा उसके अलावा ये न्यू है इसको मैं दिखाना चाह रहा था यहाँ से इन्वासेज है इन्वास बन सकती है पेमेंट्स रिसीव हैं। एस्टिमेट है, है क्रेडिट नोट्स हैं इसके ऊपर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं आ, दिस इज फॉर टुडे अगर आपकी इस वीडियो में कोई क्वेश्चन है तो मुझसे डिस्कस कर लीजिए इंशाल्लाह नहीं तो हम अगली वीडियो के अंदर बाकी चीज़ें कवर करेंगे थैंक यू सो मच